प्रदेश सरकार द्वारा लाए जा रहे मॉब ब्लीचिंग पर एक कानून के विरोध में संस्थान स्वाभिमान मंच द्वारा सोमवार को महामहिम राज्यपाल के नाम से संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए बताया गया कि इस कानून का नाम तो मॉब ब्लीचिंग है, किंतु ये कानून केवल गोरक्षकों के खिलाफ बनाया जा रहा है। अगर ये कानून लागू हुआ तो गो हत्या और गो तस्करी में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि कानून गो हत्या को शरण देने वाला कानून है। पदाधिकारियों का कहना है कि हम भी मॉब ब्लीचिंग के कानून का समर्थन करते हैं, अगर वह सबके लिए समान हो तो, परंतु जो कानून प्रदेश सरकार ला रही है वह तो सिर्फ गोरक्षकों को ही टारगेट करता है। इसके चलते संभागायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन एवं बड़ी संख्या में भारतीय स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से डिवीजन ब्यूरो हेड दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट। रीटेक इंदौर से डिवीजन ब्यूरो हेड दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट। ये ज्ञापन इस विषय में दिया गया है कि अभी प्रदेश सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो अभी प्रदेश में एक नया कानून लेके आ रही है जिसका नाम है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब तो ये है कि अगर भीड़ किसी को मार दे, लेकिन इस कानून के अंतर्गत सिर्फ गौरक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा विरोध यही है कि अगर आप मॉब लिंचिंग का कानून लाया जा रहा है तो वो सबके लिए हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून सबके लिए बराबर होता है। किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक धर्म विशेष के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कांग्रेस ऐसा कर रही है, उसके विरोध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। और इस कानून के अंदर ये है कि अगर कोई भी गौ तस्करी करता है और अगर हमारी आँखों के सामने से भी ले जाता है, हिंदू समाज की आँखों के सामने से ले जाता है, तो हम उसको अगर रोकते हैं तो 3 साल से 5 साल तक की सज़ा हम लोगों के लिए है, 25,000 से 50,000 तक का जुर्माना हम लोगों के लिए है। मतलब जो गौ तस्करी कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ये कर रही है, तो उसके विरोध में हम लोग ये ज्ञापन आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें।